नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 10 अप्रैल चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। नवादा से पॉजिटिव मामला मिलने के बाद रातों रात बंद किया गया पूरे जिले को। नवादा जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है, जिसके बाद से पूरे जिले को आनन फानन में बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, नवादा जिले में घर घर जाकर जांच की प्रक्रिया भी की जा रही है, ताकि लोगों की पूरी डिटेल्स ली जा सके। खबरों की माने तो पॉजिटिव पाए गए शख्स तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। प्रशासन अभी भी उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री निकालने में लगी हुई है। बिहार में कोरोना हॉटस्पॉट इलाके को किया गया पूरी तरीके से बंद। बिहार में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं इसी बीच बिहार में मरकज से जुड़े 10 लोगों की पहचान भी कर ली गई है, जिसकी जानकारी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि मिले यह सभी 10 लोग मरकज से जुड़े हुए हैं और सिवान में थे, जिसके बाद सिवान को हॉटस्पॉट मानते हुए उसे बिल्कुल बंद करने का ऐलान जारी किया गया है। इतना ही नहीं, बेगूसराय नवादा को भी कुछ समय के लिए बंद करने का ऐलान जारी किया गया है। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली हुई सस्ती। बिहार में बीते 1 अप्रैल से बिजली प्रति यूनिट सस्ती हो गई है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोहर लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नीतीश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है, जिसके तहत 1 अप्रैल से राज्य के करीब 1,60,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली दी जा रही है। वहीं किसानों को राहत देते हुए सरकार ने 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अब निजी स्कूल के छात्र भी पढ़ेंगे ऑनलाइन। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक बंद का ऐलान जारी किया था। वहीं कोरोना के लगातार मामले को देखते हुए बंद की अवधि को और ज्यादा आगे बढ़ाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अब छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट स्कूल में भी ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। इसकी जानकारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने दे दी है। कोरोना के बढ़ते असर के बीच पटना के लिए एक राहत भरी खबर। बिहार में कोरोना के फैलते असर के बीच पटना वासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत पटना में होम आइसोलेट किए गए लगभग 6,000 लोग बिल्कुल स्वस्थ पाए गए हैं, जिसकी जानकारी इन लोगों को दोबारा स्क्रीनिंग की प्रक्रिया किए जाने के बाद दी गई है। वहीं खबरों की माने तो 6,000 स्वस्थ लोगों में से 940 लोग विदेश से आए हुए थे। नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया 529 करोड़ की राशि। बिहार सरकार ने प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर 529 करोड़ 24,13,373 रुपए जारी किए हैं, जिसकी जानकारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर दी है। खबरों की माने तो इस राशि से समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षक के मार्च 2020 तक के वेतन को दिया जाएगा। ज्ञात हो यह उन शिक्षकों के लिए है, जो सड़कों पर बिना उतरे अपने काम में लगे हुए थे। बिहार में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए राज्यपाल फागू चौहान ने लिया तैयारियों का जायजा। बिहार में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा दिख रहा है, वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य में चल रही तैयारियों का जायजा लिया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने राज्य में कोरोना के फैलते असर को रोकने के लिए चल रही सरकार की तैयारियों का ब्यौरा राज्यपाल फागू चौहान को सौंपा है। लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय ने कोरोना को लेकर गाया गाना। कोरोना के लगातार बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कई संगीतकार आए दिन अपना गीत पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब लालू यादव के भतीजे नागेंद्र यादव का नाम भी सामने आया है, जिसके बोल है, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही ये क्या हुआ, जिसके जारी होते ही यह गाना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा। सच्चिदानंद राय ने अपने कार्यकाल के शेष बचे वेतन को सीएम रिलीफ फंड में देने का जारी किया ऐलान। कोरोना के फैलते असर के बीच देश के कोने कोने से मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। वहीं बिहार में कई लोग मदद के लिए सामने आए हैं। इसी क्रम में भाजपा के विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने भी बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को ईमेल कर अपने कार्यकाल के शेष बचे वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि महोदय, समस्त मानव जाति आज कोरोना की चपेट में है, बिहार को इससे बाहर निकालने के लिए यह मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है। केंद्र सरकार बिहार में भेजेगी अपनी स्पेशल टीम। बिहार में अचानक से कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार में अब एक स्पेशल टीम भेजने का ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो बिहार में हाई लेवल मल्टी सेंट्रल डिक्शनरी टीम केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही है, जिसके तहत इस टीम को 9 राज्यों में भेजा जाएगा, जिससे कि अब यह टीम राज्य में बिगड़े हुए हालत को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने पेश करेगी। कोरोना के इस माहौल में लालू यादव ने पॉलिटिक्स के रास्ते का किया त्याग। राजद नेता लालू यादव ने कोरोना की इस घड़ी में पॉलिटिक्स का दामन छोड़ते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, जिसके तहत लालू यादव बार बार सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ ही बार बार लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी कर रहे हैं, जिसके तहत वो आए दिन ट्वीट करके लोगों को कोरोना के खिलाफ सतर्क रहने की अपील भी कर रहे हैं। पटना बेगूसराय बॉर्डर को किया गया पूरी तरीके से बंद। राज्य में तेजी से कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पटना के डीएम कुमार रवि ने पटना बेगूसराय बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो बेगूसराय में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको देखते हुए पटना जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और साथ ही काम करने के लिए भी आगे आ रही है, जिससे कि अब न तो कोई पटना से बेगूसराय जा सकेगा और न ही कोई बेगूसराय से पटना में एंट्री ले सकेगा।
पटना जंक्शन समेत तमाम बड़े स्टेशनों पर लगाया जाएगा सैनिटाइजेशन टनल। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने पटना जंक्शन समेत तमाम बड़े स्टेशनों पर सैनिटाइजेशन टनल लगाने का निर्णय जारी किया है, जिसकी शुरुआत राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स से की जा रही है, जिसके तहत दानापुर रेल मंडल के राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स और दानापुर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में पहले ही सैनिटाइजेशन टनल को प्रायोगिक तौर पर इंस्टॉल किया जा चुका है, जिसकी टेस्टिंग फिलहाल की जा रही है। एक अज्ञात गांव में फंसी रतन राजपूत इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ी हुई है लोगों से। टीवी की जानी मानी अदाकारा रतन राजपूत इन दिनों बंद के कारण किसी गांव में फंसी हुई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर करके दी है, जिसके बाद रतन राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम से कई नए वीडियोज को भी शेयर किया है, जिसमें वो लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। वहीं एक वीडियो में कपड़े की सिलाई करती भी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, रतन राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम में बिजली गुल होने की तस्वीर भी साझा की है और कैंडल डिनर का भी जिक्र किया है। मुंगेर में कोरोना से प्रभावित 6 मरीज ठीक होकर लौटे घर। बिहार के सिवान में कोरोना के पॉजिटिव मामले के बाद सिवान जिले में अफरा तफरी का माहौल जारी है। वहीं दूसरी तरफ मुंगेर से एक अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत मुंगेर के 6 कोरोना से प्रभावित मरीज ठीक होकर वापस लौट गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं, मुंगेर जिले से कुल मिलाकर 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 6 बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वहीं इनके ठीक होते ही इन सभी को अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। बिहार के टीईटी शिक्षक ने सरकार के सामने रखी शर्त। जहां एक तरफ पूरे बिहार में इस वक्त कोरोना का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ टीईटी शिक्षक भी अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसके तहत शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा है कि बिहार में लगभग 2.25 लाख नियमित शिक्षकों के पदों को रहस्यमय तरीके से डाइंग कैडर घोषित कर दिया जाए तो सड़कों पर उतरे सभी शिक्षक अपनी मांग को लेकर अपने काम पर लौट जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त बातें टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने कही है। ANMMCH को घोषित किया गया कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल। बिहार में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ANMMCH को केवल कोरोना से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए समर्पित कर दिया है, यानी कि अब इस अस्पताल में केवल कोरोना से प्रभावित लोगों का ही इलाज होगा। वहीं कोरोना के अलावा अन्य मरीजों के लिए शहर के प्रभावित अस्पताल एवं JPN अस्पताल में इलाज की व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं कोरोना के अलावा अन्य मरीजों के लिए शहर के प्रभावती अस्पताल एवं JPN अस्पताल में इलाज की व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे कोरोना के साथ साथ आम नागरिकों की समस्याओं का भी निदान किया जा सके। DGP ने बंद के साथ साथ इलेक्शन की तैयारी करने का दिया आदेश। कोरोना की वजह से पुलिस के अधिकारी और उनकी टीम एक साथ कई सारे काम कर रही है। वहीं इसी बीच DGP गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से एक नया निर्देश जारी किया गया है, जिससे DGP ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान को बंद को सही तरीके से लागू करवाने के साथ साथ विधानसभा इलेक्शन की तैयारी में भी जुटे रहने का निर्देश जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, DGP गुप्तेश्वर पांडे ने उक्त निर्देश सभी जिलों के SSP और SP को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी है। राजद और तेजस्वी यादव ने 95% गांवों में सरकारी मदद नहीं पहुंचाने का किया दावा। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से हर किसी की मदद की जा रही है और लगातार कमजोर तबके के लोगों को पैसे भेजने का काम भी किया जा रहा है, इसी बीच राजद ने अपनी तरफ से सरकार पर टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि बिहार के 95% गांवों में कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार द्वारा हर किसी के खाते में 1000 की राशि भेजने की बात को भी गलत ठहराया है। राजद का यह कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने उनसे बात की है जिनके पास मैसेज तो आया है पर पैसे क्रेडिट नहीं किए गए, जिस पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार से यह सवाल पूछा है कि अगर राहत के लिए पैसे आए हैं तो ये पैसे गए कहां अगर उनके खाते में नहीं जा रहे हैं तो। बिहार के 20 लाख उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर खरीदने के लिए दिए गए पैसे। सरकार के वादे अनुसार बिहार के 20 लाख उपभोक्ताओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे उनके अकाउंट में भेज दिए गए हैं, जिसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 830 और 5 किलोग्राम के लिए 305 रुपए खाते में भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए आने वाले 3 महीने तक उज्ज्वला योजना के लाभुकों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का ऐलान जारी किया है। बिहार में IPS अफसरों ने दान किए 9.65 लाख रुपए। बिहार में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार के IPS अफसरों ने लगभग 10 लाख की राशि दान में दे दी है। बिहार पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पुलिस अफसरों ने मदद की पहल तेज की है, जिसके तहत 85 IPS अफसरों ने 5000 से ज्यादा की राशि दी थी और 47 सीनियर IPS अफसरों ने 10000 प्रति अफसर ने दान में दी थी। बिहार में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का असर। जहां एक तरफ बीते दिन इस बात की राहत थी कि बिहार में कोरोना के फैलने की गति थोड़ी कम है, वहीं बीते दिन बिहार के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिसके तहत बिहार में कोरोना के मामलों की संख्या अचानक से बढ़कर 50 के पार पहुंच गई है। वही खबरों की माने सबसे ज्यादा मामले सिवान जिले के हैं। वहीं सिवान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।
रामविलास पासवान ने सरकार के पास साल भर का पर्याप्त अनाज होने का किया दावा। कोरोना के बढ़ते असर के बीच कई लोग यह कहते देखे जा रहे हैं कि शायद सरकार के पास आने वाले समय के लिए पर्याप्त अनाज नहीं है। इन अटकलों को ही साफ करते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सभी लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार के पास आने वाले एक साल के लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसे दुकानदारों पर भी सख्ती से पेश आ रही है जो ज्यादा दाम में लोगों को सामान बेच रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में जल्द ही सरकार कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण पालेगी। आम नागरिक बेवजह चिंता न करे। केंद्र सरकार ने राज्यों के हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए लिया बड़ा फैसला। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के हेल्थ सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अहम फैसला लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में खर्च के लिए दी जाने वाली पूरी रकम केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन बेहतर करने के लिए इस पैकेज का ऐलान किया है। शोएब अख्तर और कपिल देव ने अपने अंदाज में दिया करारा जवाब। शोएब अख्तर आए दिन भारतीय खिलाड़ी के साथ ही साथ भारत पर टिप्पणी करते नजर आते हैं, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में कहा था कि कोरोना की इस परीक्षा में मदद के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आयोजन कराया जाना चाहिए और इससे इकट्ठा हुए पैसों को बराबर बांट लेना चाहिए। जिससे जवाब में अब कपिल देव ने कहा है कि भारत को धन की जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी है। मौजूदा वक्त में क्रिकेट मैच के लिए जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुनील डायमंड, अर्पित कुमार, हमारा इंडिया गुड, विपुल तिवारी, संदीप गुप्ता, अभय आज्ञा, अजहर खान, सोनू वर्मा, रजनीश कुमार, मिथिलेश विद काजल, जाहिद हुसैन, रामकिशन, राम सुरेंद्र शाह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना की इस परीक्षा को पास करने के लिए शोएब अख्तर द्वारा भारत पाकिस्तान के मैच के और उन पैसों से दोनों देशों के बीच में बंटवारा करने के सुझाव से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना भूले, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।